हम रमदानुल मुबारक की अजीम सातों में अजीम गलियों में एक अजीम कुरानी प्रोग्राम नूर कोर्स की दूसरी नशीत दूसरे सेशन और दूसरे कला, दूसरी क्लास में हाजिर हैं मैं आप सब अहबाब को खुश आमदेद कहता हूँ इसके साथ साथ दुनिया भर से कुछ अहबाब ने मेरे लिए जन्मदिन के हवाले से कुछ मैसेज भेजे अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मुझे मुबारकबाद के तोहफे भेजे मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और सब के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह इज़्ज़त हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम आप के अम्ब्रेला के नीचे तहरीक मिनजुल कुरान के अम्ब्रेला के नीचे हम सब को सलातो सलाम की उम्मत की खिदमत करने की तो्फ़ी आ फरमाए और हम सब की तोफ़ीक में अल्लाह की इजाफा फरमाए जैसा कि हम सब के इल्म है कि कल लेक्चर काफी लंबा हो गया था आज कोशिश करेंगे कि चीज़ों को जल्द अज जल्द कवर करें तो आइए बिला तखीर आज के लेक्चर का आगाज करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं हजत तजवीद को हिस्सत तजवीद में हाज़रीने ने क्रामी जो चीज़ आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि जो हरूफ तहजी हैं कल हमने बात की कि हरूफ तहजी जो हैं अलिफ से लेकर या तक वो हरूफ तजवीद का मौजू है तो तहजी जो है अलीफ से लेकर या तक ये उनतीस हैं। इनको सही पढ़ने का तरीका क्या है तहजी को पढ़ने के दो तरीके हैं नाजरीन एक को मूफ कहते हैं और एक को कहते हैं मजहूल एक मारूफ तरीका है और एक मजहूल तरीका है स्क्रीन पर आपके सामने दोनों चीजें आ चुकी हैं मारूफ से मुराद मशहूर नहीं है जिसको हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं मारूफ से मुराद है असली और हकीकी, ओरिजिनल, असली और हकीकी बोलिएगा जरा असली और हकीकी और मजहूल जेहल से है इससे मुराद है गैर हकीकी जो सही नहीं है तो मोस्टली हम में से आ, मोस्टली ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन में कुरने पाक मोहल्ले के बुजुर्गों से पढ़ा है खातिन से पढ़ा है तो आमतौर पर उस वक्त में इतना इल्म इल्मीद का जोर नहीं था इल्म तजवीद इतना मारूफ नहीं था लिहाजा लोग मजहूल पढ़ा करते थे कैसे पढ़ा करते थे मजहूल मजहूल क्या होता है मजहूल कहते हैं यू पढ़ना अलिफ बे ते थे ये मजहूल है अलिफ बे ते फे हे खे दाल जाल, रे जे तो ये जो बे ते फे दाल, दाल रे जे वगैरह है इसको मजहूल कहते हैं आम तौर पे हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा है अच्छा उर्दू जबा में ये ज्यादा मुस्तमल है उर्दू जबा में मशहूल तरीका ज्यादा मुस्तमल है लेकिन चूंकि हम कुरान हकीम पढ़ने जा रहे हैं और प्रॉपर ओलूम को पढ़ने जा रहे हैं तो जरूरी है कि जो हरूफ तहजी हैं उनके मारूफ पढ़ने का तरीका हमें आना चाहिए तो मारूफ तरीका क्या है वो भी आपकी स्क्रीन पे अभी शेयर हो रहा है वो ये है आ, आप ऐसे करेंगे कि मैं पढ़ूंगा और आप मुझे फॉलो करेंगे सही इस बड़े खूबसूरत एक ही दिन में चंद मिनट के अंदर अंदर हम मजहूल तरीके से मारूफ पे कन्वर्ट हो जाएंगे इन तो आइए मेरे बाद पढ़िएगा अलीफ बा ता, था इसमें खूबसूरत बात यह है नाजरीन कराम कि जो बा है या ता है या था है जितने हरूफ को हम खेच रहे हैं जितने भी हरूफ को हम लंबा कर रहे हैं मद कर रहे हैं खेच रहे हैं ये याद रखें कि वो सारे के सारे हरूफ जो हैं वो सिर्फ एक अलिफ जितना उनको खेचेंगे उनकी क्वान्टिटी ऑफ मद जो है उनको लंबा करने की जो मकदार है वो उसको कहते हैं एक अलिफ जितनी कितनी है कलिफ और एक अलिफ की मकदार अगर हमने समझनी हो कि वो कितनी होती है तो उसका तरीका यह है कि बंद उंगली को हम दरमिया रफ्तार से खोलें या खुली हुई उंगली को दरमिया रफ्तार से बंद करें तो ये एक अलिफ की मकदार है कितनी है एक अलिफ की अब आइएगा ए कलिफ की मकदार भी जो होती है यह दो हरकत के बराबर होती है यानी बा के ऊपर अगर जबर हो बा जबर बा, बा जबर बा अगर ये जबर जो है दो दफा मिला दी जाए तो जितनी लंबाई बनती है जितनी मकदार बनती है वो एक अलीफ की मकदार बनती है यानी अलीफ की मकदार मद जो है वो इतनी है जैसे बंद उंगली को दरमियानी रफ्तार से खोलें ये एक अलीफ की मकदार मद है लेकिन अगर कहना हो कि अलीफ की मकदार मद कितनी हराकत पर मुश्तमिल है तो दो हराकत पर मुश्तमिल है मिसाल के तौर पर बा के ऊपर जबर है हम कहते हैं बा जबर बा अगर एक दफा और कहें बाबर बा तो ये जो मकदार बनती है ये एक अलिफ की बनती है बाबर अलिफ बाबर बा अलिफ बाबर बा अलिफ बाकी मकदार मद है अब मारूफ तरीका ये है कि जिन हरूफ को खेचा जाएगा उन्हें एक अलिफ की मकदार मद के बराबर खेंचा जाएगा तो आइए नाजरीन कराम आप मुझे फॉलो करेंगे मैं पढ़ूंगा और मेरे पीछे पीछे आप पढ़ेंगे बोलना जरूरी है मैं भले आपको देख नहीं रहा लेकिन महसूस जरूर कर सकता हूं आपको तो मेरी रिक्वेस्ट यह है कि इन घड़ियों को इतना अपने लिए यूटिलाइज करें कि कोई कमी बेशी ना रह जाए हम ये ना सोचें कि काश उस वक्त हम साथ मेहनत कर लेते क्लास के तो इसी क्लास में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा लर्न कर जाएंगे और इसी क्लास में तीस दिन गुजार के बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपनी सुस्ती और गफलत के बायस जो है बहुत कुछ मिस कर जाएंगे मैं ये चाहता हूं कि आप फॉलो करें और जहां मैं अर्ज करूं आपको कि आप दोहराएं तो आप दोहराया भी करें अलीफ बा ता, था, जीम, हा, खा, दाल, वा, वा जा, سين شين صاد ضاد طا زا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزه या ये तो ये नाजरीन कराम जो हमने आज पढ़ा है इसको कहते हैं मारूफ पढ़ना हरूफ तहजी को मारूफ पढ़ना तो आज से ये जहन बना लें कि हमने हरूफ तहजी को अलिफ बे ते से नहीं कहना बल्कि अलिफ बा ता कहना है क्या कहना है जी अलिफ बा ता और, हसन भाई वीडियो आ रही है हसन वीडियो आ रही है मुझे नजर नहीं आ रही स को जा रही है अच्छा तो ये हमने पढ़ लिए है पढ़ लिया है तहजी को मारूफ पढ़ने का तरीका और इसमें एक चीज अगर आपके जेहन में आई हो कि सर आप किसी हर्फ को मोटा करके पढ़ रहे थे मसलन खौफ कह रहे थे किसी को कैफ बारीक करके पढ़ रहे थे सीन को बारीक कर रहे थे सौद को मोटा करके पढ़ रहे थे खौफ को मोटा करके पढ़ रहे थे तो ये कैसे है इसकी प्रैक्टिस कब होगी तो ये आगे असबाक आ रहे हैं ये इसका ताल्लुक मखरज और सिफात से है वो आगे चल के असबाक आएंगे आज का सबक सिर्फ इतना ही था कि हरूफ तहजी को पढ़ने के कितने तरीके हैं तो हरूफ तहजी को पढ़ने के दो तरीके हैं मारूफ मजहूल मरूफ और मजहूल मारूफ ये है कि मारूफ का माना है असली और हकीकी मजहूल कहते हैं जो गलत तरीका है और वो ये है अलिफ बे ते थे इसको छोड़ देना है और अपनाना किसे है मारूफ तरीके को जो कि ये है الف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را زا سيد شين صاد ضاد طا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا ये मारूफ तरीका हो गया नाजरीन कराम ये था आज का हिस्सत तजवीज जो हम मुकम्मल कर चुके और आज हमने तजवीज में सीखा कि हरूफ तहजी को मारूफ कैसे पढ़ा जाता है और उनको कितना खेचा जाता है अब चलते हैं अपने आज के लेक्चर के अगले हिस्सा की जानब जिसका नाम है हिस्सतुल्कवाद और आज का अरबी ग्रामर का जो हिस्सा और पोर्शन है वो पढ़ते हैं कल हमने नाजरीन कराम कुछ असलाहत की डेफिनेशन पड़ी थी हमने कहा कि एराब किसे कहते हैं कलेमा के आखिर में जो हरकत बदलती है उसको एराब कहते हैं कुछ नए लोगों के लिए जो बिल्कुल ही नए थे उनके लिए टर्मिनोलॉजी ये नई थी बिल्कुल और ज़ाहिर जब चीज़ें नई होती हैं तो वो समाइम अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा टाइम लेती हैं कोई बात नहीं है आज से प्रॉपर कवायद का आगाज हो रहा है और इसको हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आसान तरीके से आपके साथ शेयर करें तो आप सबसे पहले आ, कवायद के अंदर जो चीज है आज का जो सबक है वो ये है कलेमा किसे कहते हैं और उसकी अकसाम क्या है कालेमा इसको कल्मा नहीं क्या ना कल्मा ये लाम के नीचे जेर होती है कलेमा है कालेमा और उसकी अकसाम तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले कि कलेमा किसे कहते हैं हाज़रीने मुकर्रम कलेमा कहते हैं हर बा माना लफ्ज को कलेमा कहते हैं किसे कहते हैं जी हर बा माना लफ्ज को मुंह से जो कलेमात हम अदा कर रहे होते हैं उनमें से कुछ बा माना होते हैं और कुछ बेमाना होते हैं बा माना अब उर्दू में भी हम लोग इसको कलमा और मोहम्मल कहते हैं तो बा माना जो लफ्ज होगा जैसे हम कहते हैं रोटी और कई दफा साथ कह देते हैं रोटी छोटी तो छोटी का तो कोई माना नहीं होता ना वो मोहम्मल होता है तो उसको कलेमा नहीं कहते वो कलेमा की डेफिनेशन पे वो लफ्ज पूरा नहीं उतरता तो कलेमा की डेफिनेशन और तारीफ लिखें हर बा माना लफ्ज को कलेमा कहते हैं हर बा माना लफ्ज को कलेमा कहते हैं जरा आप एक दफा बोल पड़े मेरे बाद हर बा माना लफ्ज को कलेमा कहते हैं क्लियर होगी बात अब पानी कलेमा है मगर शानी कलेमा नहीं है तो हर वो लफ्ज जो मुंह से अदा हो और बा माना हो हमने जो डेफिनेशन लिखी है वो वही आप याद करें कि हर बा माना लफ्ज को कलेमा कहते हैं हर बा माना लफ्ज को कलेमा कहते हैं ये है कलेमा का माना या कलेमा की डेफिनेशन हर वो लफ्ज जो मुंह से अदा हो रहा है और वो बा माना है बे माना नहीं होना चाहिए जो बे माना कलेमात हम अदा करते हैं उनको कलेमा नहीं कहेंगे अच्छा जो मुंह से कलेमात अदा होते हैं यानी जो बा माना कलेम अदा होते हैं उनकी फिर तीन अकसाम है कितनी अकसाम है तीन अकसाम है और वो ये हैं इसम फेल और हर्फ इसम फेल और हर्फ ये इसम फेल और हर्फ आप लिख रहे हैं तो लिख लें और अगर आप याद कर रहे हैं तो याद करें मैंने तो कल रिक्वेस्ट की थी कि आपके पास एक तो कुरान पाक होना लाजमी है नोटबुक होना जरूरी है और पेंसिल या पेन होना जरूरी है कि आप उसको आ, लाजमी तौर पर राइट डाउन करें चीजों को तो कलेमा हर बामाना लफ्ज कलेमा कहलवाता है और उसकी अकसाम कितनी है तीन अकसाम है कौन कौन सी इसम फेल हर्फ अच्छा देख लें आपने लिख लिया ना अब ये जो इस्म का लफ्ज है इसको मैंने इसम नहीं कहा हम सारा दिन इसम 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 करते हैं सीन के ऊपर जबर नहीं है सीन पर जबर नहीं है तो इसम नहीं कहना इसम कहना है सीन के ऊपर सुकून है जज्म है साकिन है सीन तो कहना है इसम किसी से भी पूछना हो तो कहना चाहिए आपका इसम ग्रामी कैसा है क्या है यह नहीं कहना आपका इसम क्या है इसम इसम नहीं इसम होता है इसी तरह आगे है फेल और उसके बाद है हर्फ इसको भी हरफ नहीं कहना रा पर जबर नहीं है हरफ नहीं है यह हर्फ है क्या है हर्फ है जैसे वो इस्म है इसी तरह ये हर्फ है तो कलेमा हर बामाना लफ्ज को कलेमा कहते हैं उसकी तीन अकसाम है इसम फेल या हर्फ आप यूं समझें कि हर वो कलेमा जो हमारे मुंह से बामाना अदा हो रहा है या तो वो इसम होगा या वो फेल होगा और या वो हर्फ होगा या इस्म होगा या फेल होगा या वो हर्फ होगा अब आ जाइए कि इसम किसे कहते हैं किसे कहते हैं इस्म की डेफिनेशन जल्दी से लिख लें। जल्दी से। ऐसा कलेमा जो अकेला अपना माना दे, अकेला। पहले डेफिनेशन लिख लें, फिर उसकी वजाहत होगी तरीकाकार यही होता है सबसे पहले आप लिखते हैं किसी चीज को उसके बाद उसकी तफसील और तशरी होती है और उसको समझना अंडरस्टैंड करना होता है पहला मरहला लिखने का होता है तो इसम की तारीफ हम लिख रहे हैं ऐसा कलेमा जो अकेला अपना माना दे ऐसा कलेमा जो अकेला अपना माना दे आप लोग भी पढ़ ले मेरे बाद ऐसा कलेमा जो अकेला अपना माना दे और तीन जमानों में जमाने दो होते हैं कि तीन होते हैं तीन होते हैं ना माजी हाल और मुस्तकबिल यानी तीन जमाने होते हैं और तीन जमानों में इसमें से कोई जमाना ना पाया जाए तीन जमानों तीनों जमानों में से इसमें कोई जमाना ना पाया जाए तो ऐसा कलेमा जो अकेला अपना माना दे और तीन जमानों में से इसमें कोई जमाना ना पाया जाए अच्छा किसी शख्स जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं किसी शख्स का जो नाम है मुहम्मद उन सईद उन कदीर उन महमूद उन जमील उन ये क्या है ये इसम है ये किसी शख्स का नाम है अब जैसे जगहों के नाम होते हैं लाहौर उन मदीनात उन मक्का शहरों के नाम होते हैं तो ये भी इसम कहवाते हैं इसी तरह जो चीजों के नाम होते हैं वो भी इसम कहलवाते हैं मतलब ये मेज है अलमिन जदातन कहते हैं इसे किताब उन कुर्सी तो किसी भी चीज का जो नाम है किसी शख्स का नाम भी इसम होता है किसी जगह का नाम भी इसम कहलवाता है और किसी चीज का नाम भी इसम कहलवाता है तो हमने डेफिनेशन ये लिखी है कि ऐसा कलेमा जो अकेला अपना माना दे और तीनों जमानों में से उसमें कोई जमाना ना पाया जाए उसमें कोई जमाना ना पाया जाए अब आप देखिए अगर आप किसी शख्स का नाम लें या जगह का नाम लें या किसी चीज का नाम लें मिसाल के तौर पर आप कहें मुज तो ये आप देखें कि अकेला लफ्ज है और अकेला ही अपना माना वाजे कर रहा है पता चल रहा है कि यह किसी चीज पर किसी किसी शख्स पर दलालत कर रहा है किसी इंसान पर यह लफ्ज जो है वो दलालत कर रहा है अकेला है ना साथ कोई और लफ्ज नहीं मिला इसके साथ अकेला ही अपना माना वाजे कर रहा है और इसी तरह इसमें कोई जमाना नहीं पाया जा रहा जब आप मुजम्मिल कहेंगे तो ना इसमें माजी की तरफ इशारा जाएगा ना हाल की तरफ इशारा होगा ना मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो जाएगी आप कहें कुर्सी युन ये कुर्सी है तो जब ये आप कहेंगे कुर्सी युन तो ये अकेला कलेमा है आप देख लें और इसमें भी कोई जमाना नहीं पाया जा रहा आप समझ गए किसी शहर का नाम लेंगे आप कहेंगे लाहौर लाहौर उन जब आप लाहौर कहेंगे तो ये अकेला लफ्ज अपना माना वाजे कर रहा है और लेकिन इसमें कोई जमाना भी नहीं पाया जा रहा इसको नाजिम ने कराम इसम कहते हैं तो कलेमा की तीन अकसाम में से पहली किस्म कौन सी है उसका नाम क्या है इसम इसम कहते हैं ऐसा कलेमा जो अकेला 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 अपना माना दे और इसमें कोई जमाना न पाया जाए तीनों जमानों में से कोई जमाना न पाया जाए और फिर मैंने अर्ज किया कि नीचे लिख सकते हैं आप किसी शख्स जगह या चीज के नाम को इसम कहते हैं किसी शख्स जगह या चीज के नाम को इसम कहते हैं अब आगे चलते हैं कलेमा की दूसरी किस्म जो है उसको कहते हैं फेल 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 का माना होता है नाजरीन के नाम काम करना काम तो जब काम है तो जाहरी बात है वो किसी ना किसी जमाने में या हो चुका होगा माजी में या वो हो रहा होगा हाल में या वो होने वाला होगा मुस्तकबिल में तो फेल के लिए जमाना जरूरी है बल्कि जमाने को ही अरबी जबा के अंदर फेल कहते हैं आप फेल की डेफिनेशन प्लीज लिखें फेल ऐसा कलेमा जो अकेला अपना माना दे ऐसा कलेमा जो अकेला अपना माना दे जैसे इसमें अकेले ही अपना माना बाजी किया था फेल भी अकेला अपना माना दे प्लीज लिखें और बोले भी मेरे बात ऐसा कलेमा जो अकेला अपना माना दे ऐसा कलेमा जो अकेला अपना माना दे अकेला ऐसा कलेमा जो अकेला अपना माना दे और इसमें तीन जमानों में से कोई जमाना पाया जाए और इसमें तीन जमानों में से कोई जमाना पाया जाए यानी कोई ना कोई जमाना इसमें लाजमी पाया जाएगा फेल है ना काम है काम है तो काम के करने के लिए जरूरी है कि वो किसी ना किसी जमाने में हुआ होगा या वो पास्ट में है या वो प्रेजेंट में हो रहा है या वो फ्यूचर में होगा तो मैं डेफिनेशन को दोहरा लेता हूं आप दोहरा भी लें लिख भी लें ऐसा कलेमा जो अकेला अपना माना दे अकेला और इसमें तीन जमानों में से कोई ना कोई जमाना भी पाया जाए कोई ना कोई जमाना भी पाया जाए मिसाल के तौर पर खाला का खाला का, खाला का, का माना है उसने पैदा किया माजी की बात हो गई ये देखे ना एक कलमा है एक लफ्ज है खाला का इसका तर्जमा है उसने पैदा किया तो ये बात माजी की है ये बात माजी की है तो लफ्ज खाला का में जमाना माजी पाया जा रहा है इस वजह से इसको फेल माजी कहेंगे क्या कहेंगे फेल माजी आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा जमाना पाया जा रहा है कौन सा नहीं पाया जा रहा तो जाहिर सी बात है इतनी जल्दी तो पता नहीं चलेगा ना मगर आने वाले कुछ दिनों में इनशाला आप हाथ रख के लफ्ज पे बता सकेंगे ये इसम है जी ये फेल है जी ये हरफ है तो हम बेस बना रहे हैं आपने एक तो सब्र से काम लेना है जल्दी नहीं करनी ये नहीं सोचना कि ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें है नहीं यही टेक्निकल चीजें आप जबान से यूं अदा कर रहे होंगे दो चार पांच दिनों तक इनशाला तो खाला का उसने पैदा किया एक बात हो रही है कि उसने पैदा किया है किसी चीज को कर दिया है तो फेल माजी है गुजरे हुए जमाने की बात इसी तरह है या अबुदू दू वो इबादत करता है या इबादत करे गा इबादत करता है या करेगा तो करता है ती है ते है ये हाल के लिए होता है मैं ये काम करता हूं मैं सबक पढ़ता हूं मैं पानी पीता हूं मैं रोजा रखता हूं यह जो मसदर का माना होता है ना ता है ती है ते है ये जमानाएं हाल होता है जमानाएं हाल होता है और इसी तरह तालमून तुम जान जाओगे तद हबून तुम चले जाओगे तंजुरून, तुम देखोगे तदरुसून, तुम पढ़ोगे तस्माउन तुम सुनोगे तकल्लमून तुम बोलोगे तो ये जो आने वाले दौर का है यानी जमाना मुस्तबिल अगर इसमें पाया जा रहा है फिर भी ये फेल है तो फेल जो है कोई भी कलेमा अगर हमारे मुंह से अदा हो रहा है चाहे उसमें जमाना माजी की तरफ इशारा है चाहे जमाना हाल की तरफ इशारा है या जमाना मुस्तकबिल की तरफ इशारा है तो उस कलेमा का नाम इसम होगा क्या फेल होगा फेल होगा उस कलेमा को क्या कहेंगे ये फेल है ये क्या है जी ये फेल है तो फेल ऐसा कलमा है जो अकेला अपना माना देता है और तीन जमानों में से कोई ना कोई जमाना भी इसमें पाया जाता है क्लियर हो गई बात तो हर वो लफ्ज जो मुंह से अदा होगा और बा माना होगा वो उसकी तीन कैटेगरीज में वो आएगा या तो वो इसम होगा हम बात कर चुके हैं इसम कहते हैं किसी शख्स के नाम को किसी जगह के नाम को और किसी चीज के नाम को या अगर उसमें जमाना पाया जा रहा है तो वो फिर फेल है डेफिनेटली फेल है जमाना फेल के साथ खास है क्योंकि फेल किसी ना किसी जमाने में होता है काम किसी ना किसी जमाने के अंदर या वो हो चुका है या वो हो रहा है या वो होने वाला है तो हाजिर मुकर्रम जिस कलेमा के अंदर जमाना पाया जा रहा हो उस कलेमा को फेल कहते हैं क्या कहते हैं उसने रोजा रखा अब मुझे ये बताएं ये हाल है या मुस्तकबिल है कि माजी है फेल माजी है और रखा ये चूंकि माजी है तो ये फेल है इसम नहीं है क्योंकि इसमें जमाना नहीं पाया जाता आगे चलते हैं कवायद में कलेमा की जो तीसरी किस्म और आखिरी चीज हम पढ़ रहे हैं वो है हर्फ कलेमा या इसम होता है या फेल होता है और या हर्फ होता है हर्फ कहते हैं लेटर को लेटरफ लेटर को हर्फ कहते हैं अच्छा हर्फ की तारीफ लिखें ऐसा कलेमा ऐसा कलेमा जो अकेला अपना माना ना दे जल्दी से लिखिए जल्दी से लिखिए और दोहराइए भी प्लीज मेरे बाद ऐसा कलेमा जो अकेला अपना माना ना दे बल्कि अपने माना के इजहार के लिए दूसरों का मोहताज हो ऐसा कलेमा जो अकेला अपना माना ना दे बल्कि अपने माना के इजहार के लिए क्या हो दूसरों का मोहताज हो अकेला अपना माना नहीं दे रहा अकेला अपना माना वाजे नहीं कर रहा लिख लें प्लीज ऐसा कलेमा जो अकेला अपना माना ना दे बल्कि अपने माना के इजहार के लिए दूसरों का मोहताज हो पहले आप लिख लें फिर इसको समझ लेंगे हम इंशाल्लाह और इसमें भी तीन जमानों में से कोई जमाना नहीं पाया जाता हर्फ में भी कोई जमाना नहीं पाया जाता तीनों जमानों में से इसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता तो हर्फ की तारीफ हम दोहरा लेते हैं ऐसा कलेमा जो अकेला अपना माना ना दे इसम अकेले अपना माना वाजे कर रहा था फेल अकेला अपना माना वाजे कर रहा था मगर हर्फ जो है ये अकेला अपना माना वाजे नहीं करता अपने माना के इजहार के लिए दूसरों का मोहताज होता है अपने माना के इजहार के लिए दूसरों का मोहताज होता है और इसमें भी कोई जमाना नहीं पाया जाता तीनों जमानों में से कोई जमाना नहीं पाया जाता यह हरफ है अब इसको मिसाल से समझ लेते हैं आप एक कलेमा पढ़ते हैं लफ्ज पढ़ते हैं कुरने पाक में मिन मिन मीम ज़ेर नून मिन मिन का माना होता है से या फ्रॉम से मुझे बताएं कोई हम में से अगर फकत इतना कलेमा बोले कि से तो हमें क्या समझ आई तो इसने कुछ अपना अकेले अपना माना वाजे नहीं किया ना ये हरफ है अगर हम बोले अला अला का माना होता है ऊपर तो अगर हम फकत ये कह दें ऊपर तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या ऊपर है कौन ऊपर है किसके ऊपर है अगर हम कह दें इला तरफ या की तरफ तो तरफ की तरफ हमें कुछ समझ नहीं आएगा कि कौन है और किसकी तरफ है इसको हर्फ कहते हैं यह अकेला अपना माना वाजे नहीं कर रहा होता हाँ कैसे करता है यह दूसरे कलेमा जब साथ लगते हैं तो इसके माना का इजहार फिर हो जाता है मिसाल के तौर पर देखें, ए, मिन, मिन का माना है से फने से, से समझ नहीं आती और अगर मैं ये कहूं कि मैं घर से आया हूं मैं घर से आया हूं अब से ने भी अपना कुछ ना कुछ माना किया है जे तू मिनत जे तू मिन मिन मैं घर से आया हूं अगर मैं कहूं ये ऊपर तो खाली वो लफ्ज ऊपर से कुछ समझ नहीं आता और अगर मैं कहूं अल किताब या अल कुरू अला या अलादा कि कुरान पाक जो है वो टेबल के ऊपर है यदुल्लाही ही अल्लाह का हाथ जो है अला ऊपर है अल जमा जमात के अल जमा आप समझ रहे तो मिन है से या ऊपर या इला तरफ तो अजहबू इलल मस्जिद अगर मैं खाली कहूं कि तरफ यानी टूवर्ड तो समझ नहीं आएगा अगर मैं ये कहूं कि अजहबू इलल मस्जिद मैं मस्जिद की तरफ जाता हूं तो ये तरफ या की तरफ का माना भी वाजे हो गया मगर अकेले नहीं साथ दूसरे कलेमा मिले हैं तो इन्होंने अपने माना का कोई ना कोई इजहार किया है तो आखिरी दफा इसको देखते हैं हर्फ कहते हैं ऐसा कलेमा जो अकेले अपना माना नहीं देता बल्कि अपने माना के इजहार के लिए दूसरों का मोहताज होता है क्या होता है जी दूसरों का मोहताज होता है और इसमें भी कोई जमाना नहीं नहीं, नहीं पाया जाता क्लियर हो गई बात अब इसको दोहरा लेते हैं तीनों चीजों को मैं आपको सबक सुनाता हूं जी, मैं सबक सुनाना चाहता हूं ध्यान से सुनिएगा कि मैं सही सुनाता हूं या नहीं कलेमा कलेमा जो लफ्ज है इसका माना है हर बा माना लफ्ज जो मुंह से अदा हो हर बा माना लफ्ज को कलेमा कहते हैं कलेमा किसे कहते हैं हर बा माना लफ्ज को कलेमा कहते हैं जो माना लफ्ज होता है वो कलमा होता है अब जो बा माना कलिमा हमारी ज़बान से अदा होते हैं या तो वो इस्म होंगे या वो फेल होंगे या वो हरूफ होंगे चौथी कोई चीज नहीं होती या वो इसम या वो फेल या वो हर्फ। तो इसम क्या होता है इस नाजरीन कराम हमने पढ़ा कि ऐसे कलमे को कहते हैं जो अकेला ही अपना माना वाजे कर देता है और इसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता तीनों जमानों में से ना माजी ना हाल या ना मुस्तकबिल मसलन मैं कहता हूं अल्लामा महमूद साहब महमूद कहता हूं मैं महमूद तो लफज महमूद ने अकेले ही अपना माना वाजे कर दिया पता चल गया ये किसी शख्स का नाम है या किसी चीज का नाम मैं ले लेता हूं किसी चीज का नाम मैं कहता हूँ ये किताब है ये कुरान पाक है अकेला ही अपना माना वाजे हो गया और इसमें देखें किसी जमाने की तरफ इशारा नहीं है नमाज़ी की तरफ इशारा है ना हाल की तरफ ना मुस्तकबिल की तरफ इसी तरह आ, होता है हर्फ हर्फ ऐसा कलमा होता है कि जो अकेले अपना माना नहीं देता अकेले अपना माना नहीं देता वो अपने माना के इजहार के लिए दूसरे कलमात का मोहताज होता है जब वो साथ मिलते हैं तो इसका माना भी वाजे हो जाता है और बन जाता है जैसे मैंने कहा मिन का माना से होता है खाली से से समझ नहीं आती लेकिन अगर कोई कहे मैं घर से आया हूं मैं जॉब से आया हूं मैं शॉप से आया हूं तो लफ्ज से की भी कोई ना कोई वैल्यू बन जाती है आप समझ रहे हैं तो ये है हर्फ। भी कोई जमाना नहीं होता इसमें भी कोई जमाना नहीं पाया जाता नाजरीन कराम तजवीद का पोर्शन भी मुकम्मल होता है और आज भी ग्रामर और कवायद का पोर्शन भी मुकम्मल होता है हम बिला तखीर चलते हैं अपने आज के लेक्चर के तीसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है अलूमुल कुरान और देखते हैं कि आज कुरान में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अलूमुल कुरान जी अलूमुल कुरान जो है जिसमें किन किन मादा हाय इश्तक से बना है किन कलिमा से किन आ, रूट वर्ल्ड से वो बना है उस पर कल हमने बात की थी आज प्रॉपर हम इंटर हो रहे हैं कुरान में और में जो सबसे ज्यादा दिलचस्प और सबसे जो बड़ा मौजू है वो वही क्या होती है और वही और उसकी अकसाम के बारे में बहुत दिलचस्प है ये हमने चाहा कि इस दफा नई चीज को ऐड किया जाए और ये भी उन उलूम में से एक इल्म है कि जो दीनी मदारस की बड़ी बड़ी चार दीवारियों के बंद रहा है हमेशा ये वेरी फर्स्ट टाइम है कि तहरीक मिनाजुल कुरान के, मिन के प्लेटफॉर्म से ये जो इंतहाई खूबसूरत टेक्निकल और दिलचस्प इल्म है ये आमदुल नाज तक आप तक आपके घरों तक पहुंच रहा है अहमदिल्ला तहरीक मिहाजुल कुरान का हजूर सैदी शाख इस्लाम का फैज़ है तो सबसे पहली चीज जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि वही की जरूरत व अहमियत क्या है वही की जरूरत व अहमियत अब हम आमतौर पर इस लफ्ज को पढ़ते हैं जरूरत दौद के ऊपर जबर देते हैं मैं पेश पढ़ता हूं जरूरत पढ़ता हूं इसी तरह जिसको हम अहमियत पढ़ते हैं वो बेसिकली मीम के ऊपर शद के साथ अहमियत होता है क्या होता है अहमियत होता है बहरहाल गलत है कुछ कलिम हाजिर मुकरम वही की जरूरत व अहमियत इस तरह से हम देखेंगे कि अल्लाह रबुुल्जत ने इंसान को पैदा किया और फिर उसके बाद हर मुसलमान जो है वो ये जानता है कि अल्लाह रबुजत ने जो उसको पैदा किया है तो उसकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां भी हैं उसके जिम्मा कुछ ना कुछ फरज की अदायगी भी है अल्लाह जल्ला शाह न इंसान को कुछ फराइज की अदायगी का जिम्मेदार ठहराते हुए पूरी कायनात को उसकी खिदमत के लिए लगा दिया है तो तमाम हज़र कायों इंसान में जो चीज आपको नजर आती है इस कायनात में वो इंसान की बेटरमेंट के लिए फायदे के लिए और उसकी खिदमत के लिए है अब जब उसकी खिदमत के लिए है तो सवाल यह पैदा होता है कि इंसान जहां उस पर आ, पूरी कायनात उसकी खिदमत के लिए लगी है वहीं पर उसके कुछ फराइज भी हैं उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं और वो फराइज और जिम्मेदारियां क्या हैं फराइज और जिम्मेदारियां नाजरीन कराम ये हैं कि वो जान रहा हो कि उसके इर्द गिर्द जो कायनात फैली है क्या वो उससे ठीक ठाक काम ले रहा है या नहीं ले रहा वो सही तौर पर उससे काम ले रहा है या नहीं ले रहा एक चीज तो ये है और दूसरी चीज नाजरीन कराम ये है कि वो इस कायनात को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को मद्देनजर रख रहा है या नहीं रख रहा वो कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर रहा कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम के मुनाफी है और उसकी मर्जी और मंशा के मुनाफी है और खिलाफ है तो बेसिकली वही की जरूरत इस हवाले से है कि अल्लाह रबुलज्जत ने इंसान को मुख्तफ अधान दिए और अपने अपने वक्तों में मुख्तफ अंबिया कराम और रसूल नजाम तशरीफ लाते रहे और कायनाते इंसानी को उसकी ज़रूरियात के मुतालिक उसकी जिम्मेदारियों के मुतालिक और उसके फराइ से मुताल आगे ही बहम पहुंचाते रहे अब ये जो सारा काम है इसके लिए हसूल इल्म नागुजीर है ये इल्म के हसूल के बगैर मुकम्मल नहीं होता हाजरीन मुक्रम इ के बगैर इंसान को नहीं पता चल सकता कि वो अपने इर्द गिर्द जो कायनात है उससे किस तरह कमाह को फायदा उठा सकता है या उस उसको इस्तेमाल कर सकता है या उसके अंदर कैसे अपनी इनपुट दे सकता है और कैसे ऐसी जिंदगी गुजार सकता है कि जो अल्लाह रबुल इज़त के अहकाम के मुनाफी ना हो तो इल्म ना गुज़ीर था इल्म के लिए फिर हाजरेन मुकर्रम जो जरा इल्म है वो तीन है वो यहां पर मैंने अर्ज किए हैं कितने हैं जरा इल्मीन जरा इल्म है नंबर वन हवास नंबर टू अकल और नंबर तीन वही है तो ज़राए इल्म जो है जिन जराए से हमें इल्म का हुसूल होता है इल्म हासिल हम करते हैं वो कितने हैं जी वो तीन है सबसे पहला है हमारे हवास 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 खमसा भी हम उन्हें कहते हैं दूसरा है हाज़रीने मुकर्रम हवास के साथ साथ अकल और तीसरा जरिया इल्म जो है और जो कतह जरिया है वो है वही यहां यह बात काबिल जिक्र है और समझने वाली है कि हवास जो है देखें बहुत सारा इल्म जो है हमें हवास से हासिल होता है मसलन छूने से हासिल होता है सूंघने से हासिल होता है चखने से हासिल होता है सुनने से हासिल होता है हवा से हमारी आंख है देखने से हासिल होता है कान पैर हाथ तो ये हमारे हवास हैं मगर बहुत सारे उलूम ऐसे हैं कि जिन हवास जिनका इधराक नहीं रखता हवास की जो हदूद हैं वो खत्म हो जाती हैं वहां पर अकल का, का काम शुरू हो जाता है और बा बहुत सारे उलूम ऐसे हैं कि अकल का काम भी महदूद हो जा हो जाता है और अकल की जो लिमिट है वो भी महदूद हो जाती है उसके आगे फिर वही काम करती है मिसाल के तौर पर आपके सामने एक शख्स बैठा है जीता जागता तो हवास ये जान सकते हैं कि ये जो शख्स सामने बैठा है इसकी आंखें कितनी मोटी हैं इसकी रंगत कैसी है इसकी पेशानी कितनी चौड़ी है इसकी दाढ़ी कितनी लंबी है इसने किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं इसकी आवाज किस तरह की है तो ये सारी चीजें जो हैं वो हवास के दायरे इख्तियार में आती हैं हवास के जरिए ये इल्म हमें हासिल हो जाता है कि सामने बैठा शख्स जो है यह जो चीज है उसकी माहियत क्या है उसकी कैफियत क्या है उसकी अजाय तरकीबी क्या है ये सामने बैठे हुए शख्स की शक्लो शबाद हमारे हमारी समझ में आती है लेकिन ये पैदा कैसे हुआ इसको किस माँ बाप ने जन्म दिया ये किसी माँ और बाप के मिलाप से पैदा हुआ यह हमें हवास नहीं बताते ये हमें अक्ल बताती है कि अगर एक इंसान दुनिया में आया है और मौजूद है तो डेफिनेटली वो अपने वालदेन की वजह से आप समझ रहे हैं अच्छा यहां तक तो बात हो गई अब देखें कुछ वूम ऐसे हैं कि जहां पर अक्ल की लिमिट भी खत्म हो जाती है वहां पर वही का काम शुरू होता है वो क्या है मसलन अक्ल ये डिफाइन नहीं करती कि इंसान के, के जिम्मे फ्राइज कौन से है? उसकी शरी और अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं तो ये जो सारा इल्म है ये हमें वही के जरिए से हासिल होता है किसके जरिए से हासिल होता है वही के जरिए तो जरा इल्म जरूरत अहमियत की मैंने बात की कि इंसान दुनिया में आया जब वो दुनिया में आया है वो किसी भी दीन से ताल्लुक रखता है किसी भी फिक्र से ताल्लुक रखता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो ये जाने कि ये जो सारी कायनात उसके इर्द गिर्द मौजूद है अल्लाह इज़्ज़त ने फरमाया हम सन आया फिल आफा की वफीम हम तुम्हें अपनी निशानियां कायनात में बिखरी हुई दिखाएंगे कहा तुम्हारी अपनी जात के अंदर भी और जा बजा हर तरफ बिखरी हुई भी आपको नजर आएंगी तो उन बिखरी हुई जा बजा कायनात की मुख्तलिफ अशिया मुख्तलिफ निशानियाँ ये उनसे कमा हकू हु, उनको इस्तेमाल करना और उनमें रहते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत के अकाम की खिलाफ वर्जी न करना और अहकाम की बजाय अवरी करना ये सारा जो काम है इसके लिए इंसान को हसूल इल्मार है म का हासिल करना ना नागुजीर है और इल्म के जरा मैंने अर्ज किया कि तीन है पहला है हवास हवास से हम चीजों को छू सकते हैं सुन सकते हैं देख सकते हैं लेकिन आ, हवास के जरिए हाज़री ने मुकर्रम इंसान ये पता नहीं कर सकता कि इस शख्स के वाले कौन है ये पैदा कैसे हुआ है इसके फरज क्या हैं तो ये चीजें कुछ चीजें हमें अकल बताती है और जहां अकल रुक जाती है हमारे फरयज़ क्या है वाजिबात क्या है जिम्मेदारियां क्या है कायनात का एक फर्द होने के हवाले से सोसाइटी का एक मेंबर होने के हवाले से एक दीन का तालब इल्म या एक दीन का पैरोकार होने के नाते से तो ये सारे ूम जो है ये हमें वही से हासिल होते हैं कहां से हासिल होते हैं वही से हासिल होते हैं अब आगे चलते हैं आज के दिन जो वही के हवाले से चीज पढ़ेंगे इसकी बहुत सारी एक्साम है बड़ी डिटेल के साथ इन थोडे थोड़े, -थोड़े पोर्शन में डेली बात होगी आज जो चीज हम वही के हवाले से देख रहे हैं चूंकि हमारा आज का मौजू ही वही है तो मैंने थोड़ा तमहीदन वही की जरूरत अहमियत के हवाले से बात की है तो वही जो है उसका लघवी माना आज पढ़ेंगे और असतला माना पढ़ेंगे और यू जल्दी से पढ़ेंगे लघवी माना और इसलाही माना कि वही लघवी तौर पर कहते किसे हैं और इस तलाही तौर पर हम वही से क्या मुराद लेते हैं तो लिखिए है सबसे पहले नाजरीन किराम लफ्ज वही जो है इसका मादा वह और इहाउन है दो लफ्ज हैं वहय और इहाउन। आपकी स्क्रीन के सामने हर चीज आ रही है इसका माना है जल्दी से इशारा करना खा ये इशारा रमजो की नाया में ही क्यों ना हो जल्दी से यह लुगवी माना हम पढ़ रहे हैं ही माना नहीं पढ़ रहे यह लुघवी माना है कि आहले लुगत ने इस लफ्ज को किस माना के लिए वजह किया है लफ्ज वही लघवी तौर पर इशारा के लिए इस्तेमाल किया जा किया जाता है जल्दी से कोई इशारा करना यह इशारा रमजो किनाया की शक्ल में ही क्यों ना हो कोई बेमाना आवाज निकालना निकालकर इशारा करना किसी उज को हरकत देकर इशारा करना हाथ से इशारा करना आंख से इशारा करना किसी शय की तरफ कोई तहरीर करके किसी शख्स की तरफ इशारा करना कोई नक्श बना कर कोई तस्वीर बनाकर किसी की तरफ इशारा करना तो ये सारे वही के लुगवी माना है वही के लुगवी माना लफ्ज वही का जो लुगवी माना हाजरीन मुकर्रम हमने पढ़ा वो ये है जल्दी से किसी की तरफ इशारा करना खा व रमजो की में क्यों ना हो खा वो बेमाना आवाज निकाल कर हो खा वो हरकत देकर हो ख वो तहरीर करके हो किसी उर्ज को हरकत देकर हो ख वो तहरीर करके हो खो नक्श या नुकूश बनाकर हो ये है वही का लुघवी माना अब इस लुघवी माना के साथ साथ हमें जो माना रिक्वायर्ड है वो इसलाही माना है कल भी हमने कहा कि उर्फ आम का जो माना होता है उसे अजलाही माना कहा जाता है तो लफज वही का जो अश्लाही माना है वो ये है इसको आप प्लीज लाजमी लिखें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहम है और यही हमारा मतलूब और रिक्वायर्ड है हमें क़लामुल्लाही अल-मुनज़लु कलामुल्ला नबी क़लामुल्लाही अल्लाह का कलाम अल अल-मुनज़लु जो नाजिल होता है अला नबी जिन नबी पर अंबियाए अंबिया उसके अंबिया में से तो अल्लाह का ऐसा कलाम जो उसके अंबिया में से अंबिया पर नाजल होता है या अंबिया में से किसी नबी पर नाजल होता है उसको वही कहते हैं वही का लुवी माना क्या है कलामुल्लाही मुनज़लु अला नबी जम अंबिया वही का लुवी माना सॉरी अला माना वही का अतलाही माना अल्लाह रबुल्जत का वो कलाम जो वो अपने अंबिया पर उतारता है अपने नबियों पर उतारता है तो नफ्ज वही का लुवी माना हमने पढ़ा कि जल्दी से इशारा करना खा वो इशारा रमज़ो की नाया में हो खो इशारा बेमाना आवाज निकाल कर हो खो किसी उज्ज को हरकत देकर हो ख वो तहरीर की शक्ल में हो ख वो नक्श की शक्ल में हो इसी तरह वही का जो असलाही माना है जो उर्फ आम में हम माना मुराद लेते हैं और यहाँ भी लेना चाहेंगे वो वही से मुराद कलाम अल्लाह का ऐसा कलाम है अल मुनजलू अला नबी जिन मिन अंबिया ही जो उसके अंबिया में से किसी नबी पर नाजिल हुआ हो हाजरीन मुकर्रम ये था आज के उलूमुल कुरान का हमारा सबक अब आइए चलते हैं अब अपने लेक्चर के आखिरी सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मजामीन कुरान मजामीन कुरान और आज का हमारा पारा है पारा नंबर दो सबसे पहले नजर मारते हैं के नजर दौड़ाते हैं इजमाली तौर पर के दूसरा पारा के अंदर कौन कौन से मजामीन अल्लाह रबुल इजत ने बयान तो जो दूसरा पारा है उसमें जो सबसे आ, आ, स्टार्ट होता है वहां से लेकर एंड तक मैं चंद अः मोटे मोटे मजामीन आपके सामने बयान करता हूं अकाली सलातम की ख्वाहिश पर तहवील किबला हुई आप सब के इलमे है अल्लाह रबुल इजत ने काबा को ही तब्दील कर दिया फरमाया कि आप आप बैतुलमकदस को छोड़कर काबा को किबला बना लें तहवील किबला का वाक है इसमें दूसरे पारा में जहाद का जिक्र आया शहदा की फजीलत आई जहाद की अहमियत आई राह में आजमाइशें जो इंसान को आती हैं उसका बयान दूसरे पारे में है किसास का बयान दूसरे पारे में है किसास और इसी तरह वसीयत का बयान भी दूसरे पारे में है किसास पर हम बात करेंगे इन मगर वसीयत में जरा कह दूं वसीयत कहते हैं कि कोई मालदार आदमी मालदार आदमी जो करीबुल मर्ग हो मरने के करीब हो उसे पता चल जाए कि अनकरीब मैं दुनिया से जाने वाला हूं तो उसके लिए लाजिम किया है शरीयत ने लाजिम किया है लाजिम कि वो कुछ ना कुछ अपनी वसीयत करके जाए कि मेरा जो माल है उस उसके मसारफ क्या क्या होंगे वो कहाँ पे खर्च होगा इसको वसीयत कहते हैं इसी तरह जो माह रमजान के रोजों की फर्जियत है वो भी दूसरे पारे में आई रोजों के जुमला अहकाम और मसाइल दूसरे पारे का हिस्सा है फिर इसी तरह दिफाई जंग के जंग करने का हुक्म है अपने दिफा में और जुल्म के खात्मे के लिए जहाद के लिए निकलना है जहाद की फर्जियत दूसरे पारे में आती है हज और उमरा के तफसी बयान दूसरे पारा का हिस्सा है इसके बाद निकाह जो है निकाह अज़दवाजी जिंदगी इला तलाक खुला इद्दत रजात इसके जुमला तफसीली अहकाम जो है वो दूसरे पारे का हिस्सा है आ, बनी इसराइल के लिए फिर आपको पता है कि तालूत आ, एक नौजवान था बनी इसराइल में से इस वाक्य पर हम एंड पे जाके बात भी करेंगे उसको बादशाह बनाया जाता है तबूत सकीना का इसमें बयान है जालूत का बयान है आकाल इसरा सलाम हुसन अदब उसका इसमें बयान है इस पर हम बात करेंगे किसास का बयान है इनफाक सबीरीला है मुरतद की सजा है कि मुरतद जो है वो वाजिबुल कतल है शराब और जुए का बयान है इन चीज़ों की ममानियत आई और हरमत आई कि इनसे मना हो जाओ ये रिज रिज्स है नापाक चीजें हैं, ना हैं। इनसे दूर रहें शराब को उमुल्खबाइश कहा पुराने पाक में दूसरे पारे में तो उमुल्खबाइश ये तमाम खबासतों की जड़ है ये बीमारी और ये मर्ज जो है फिर शीर खार जो बच्चे हैं उनके हकूक भी इसी पारे में बताए गए कि माए उन्हें कितनी देर तक दूध पिलाएं। तो ये एक इजमाली तस्करा हो गया दूसरे पारे के अः हाजरीन मुकर्रम मौजुआत का अब आइए चलते हैं हम चंद एक मोटे मोटे मौजूद पर नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं अल्लाह रबुल ने दूसरे पारे में कौन कौन से अहकाम इर्शाद फरमाए हैं हाजरीन मुकर्रम जब हम दूसरा पारा शुरू करते हैं तो सबसे पहली जो चीज हमारे सामने आती है वो ये आती है कि अबीमिल्लाबलाती खान बेवकूफ लोग ये कहेंगे कि लोगों में से कि ये किस चीज को इन किस चीज की वजह से ये फिर गए अपने किबला से जिसपे ये थे यानी आकालातम के वो उम्मती जो हजूर ब्लाइंड फेथ रखते थे आका सलात की एक एक आदा ही उनके नजदीक शरीय थी आका सलात अगर बैतुलमकद की तरफ हजूर मुंह करके नमाज पढ़े वही किबला है हमारे लिए और हुजूर के गुलामों के लिए अगर आका अली सलातम हबीब आजम सल्लल्लाहु सल अलाम अपना किबला दुराने नमाज मोड़ लें अपना रुख मोड़ लें किबला बना लें काबा को तो जो हुजूर के गुलाम हैं उन्हें इस बात से गर्ज नहीं है कि यह अमल हुजूर ने क्यों किया है उन्हें इस बात से गर्ज है कि हम यार के नक्शे कदम पर चलेंगे जहां जहां हुजूर के नक्शे पा पा का अ, साया है वहीं वहीं वो उसको अपनी सजदागाह बनाते हैं तो मुनाफिकीन जो थे बेसिकली वो कहते थे कि ये तो बेवकूफ लोग हैं तो यहां जो बात समझ में आती है आका सलात असलाम के जो गुलाम हैं कुरान पाक ने फरमाया कि वो कभी बेवकूफ नहीं हो सकते और कहा कि बेवकूफ दरअसल वो हैं कि मेरा महबूब आसलातम जब इन्हें कोई हुक्म देता है तो वो मेरे हबीब के उस हुक्म को अपनी अकल की कसोटी परखते हैं इसको बेवकूफी कहते हैं उसमें से अपने फवायद अपने मफादात को देखते हैं इसको बेवकूफी कहते हैं ना कि इसको बेवकूफी कहते हैं अकाली सलात के हुक्म की वो बजरा आवरी करें इसमें अगर आप देखें तो यह वाक्रम तहवील मुकर्रम हम आपका चेहरा मुबारक आसमान की तरफ बार बार उठते हुए देखते हैं यहां अकाली सलातोलाम का एक अदब का नजर आ रहा है कि आका अली सलात ने मुफसरीन कहते हैं नौ दफा आठ से नौ दफा अपना चेहरा एकदस आसमान की तरफ उठाया और इस ख्वाहिश अंदर यह ख्वाहिश मचल रही थी कि मौल करीम हमें काबा ही किबला बना दे हमारे लिए हमारे लिए किबला काबे को ही बना दे ये ख्वाहिश मचलती थी मगर मजे की बात यह है हाजरीन मुकरम एक दफा भी

हजूर अली सलाम ने आठ से नौ दफा चेहरा मुबारक को आसमान की तरफ उठाया तो अल्लाहत ने उसी नमाज के अंदर ही आकलात की इस ख्वाहिश को शर्फ कबूलियत बख्शा दो रकतें पड़ी थी दो बाकी थी आकलात को हुक्म होता है कि अहबीब मुकर्रम फली वजह का शतर मस्जिद और आगे फिर कहा फलन का किबलतर दाह एब आप ख्वाहिश रखते हैं कि आप काबा की तरफ फिर जाए काबा को अपना किबला बना लें तो हम आपको उधर ही फेरने वाले हैं किधर परद जहां पे हबीब आप राजी हो जाए अल्लाह अकाली सलातोलाम हुसन अदब का ख्याल रखते हैं तो मालिक आपकी खुशी का इस कदर ख्याल रखता है कि कायनात सारी की सारी आकाली सलात सलाम अः सारी की सारी अल्लाह रबुल की रजा चाह रही है मगर अल्लाह रबुल इजत फरमाता है फलन का किबल तन तरदहाबीब मुकर्रम हम आपको फेरने वाले हैं उस किबले की तरफ किसकी तरफ तरदाह जिस पर आप राजी हो जाएंगे इसको शायर ने कहा अला हजरत ने बल्कि फरमाया कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद और फिर फवली वजह का हुक्म होता है अहबीब मुकर्रम आप जिधर चेहरा कर लेंगे वही किबला हो जाएगा तो आप काबा की तरफ मुड़ जाएं आज से वो ही किबला है बात उन पर जो छोड़ देते हैं दिल शिकस्ता वो जोड़ देते हैं उनके लुत्फों करम का क्या कहना लाख मांगो करोड़ देते हैं और काबा बनता है काबा बनता है उस तरफ ही रियाज रुख जिधर को वो मोड़ देते हैं तो आकाली सला सलाम की अदाओं का नाम ही शरीयत है आकलातम के फरामीन का नाम ही तशरी कवानीन है आकलातलाम की अदाओं का नाम ही इबादत हैं आगे चलते हैं हाजरीन मुकर्रम तो हम देखते हैं कि मुश्किल पर सब्र के हवाले से अल्लाह पाक ने फरमाया कि मिन की निशानी ये है कि अल्लाह हम मुसीबा जब उस पर कोई मुसीबत आ जाती है अल्लाह पाक की तरफ से कुछ आजमाइश आ जाती है तो वो फिर ना शुक्रा नहीं हो जाता वो गर्दन जुटलाता नहीं है बल्कि की और मुतवाज लोगों की अलामत यह है कालू वो ये कहते हैं इन्ना व इन्ना कोई बात नहीं है ये जो सारी चीजें हैं ये अल्लाह की तरफ से आई है हम इनको खंदा पेशानी से कबूल करेंगे हम ये नियमतों की जाने की क्या बात है हम तो खुद हमारे जो अजसाद हैं हमारी जो जाते हैं वो सारी की सारी अल्लाह इज़्ज़त की तरफ से हैं हम बनाए ही अपने खाले की तरफ से गए हैं तो अगर हमसे कोई चीज नेमत के पे छीन ली गई है या वक्ती तौर पे आजमाइश और इब्तला आई है तो उससे वो रंजीदा खातर नहीं होते वो कहते हैं हम भी अल्लाह के लिए हैं और हम अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं और जब कोई ये शुक्र और इम्तना का जज्बा अपने अंदर पैदा करता है

और लोगों में से अल्लाह का शरीक ठहराते हैं और उनसे अल्लाह जैसी मोहब्बत करते हैं अल्लाह के, अल्ला के गैर को हाजरी ने मुकर्रम यहां एक अकीदे की बात में अर्ज करना चाहता हूं और वो बड़ी अहम बात है यहां मिंदून से जो मुराद है और पुराने पूरे पाक में जहां कहीं भी मिंदून आया है इससे मुराद अल्लाह के उलिया नहीं है इससे मुराद बुत हैं असनाम हैं जिनकी वो पूजा करते थे और जैसे हम अल्लाह इज्जत की मोहब्बत से मोहब्बत करते हैं उसी तरह वो अपने बुतों से मोहब्बत करते थे उन्हें खुदा बनाते थे और पूजते थे अल्लाह पाक ने इसकी तर्दीद फरमाई लेकिन हाजिर ने मुकर्रम यहां आप देखिए कि हमारे मुख्तलफ मकतब फिक्र के जो कुछ उलमा हैं वो इस दून दूनला को उठा के चस्पा करते हैं किन के ऊपर अलिया के ऊपर वो कहते हैं जी देखें अलिया अल्लाह के पास जाना जो है अलिया अल्लाह के पास जाके बैठना उनकी जियारत करना उनकी मजलिस इख्तियार करना उनका नाम लेवा होना उनकी पैरोकारी इख्तियार करना ये जो है इसे अल्लाह पाक ने मना किया है और मिंदून ला में ये आता है नहीं मिंदूनला में ये नहीं आता मिंदून इला में हाजरीन कराम बुत आते हैं आते हैं जिनकी वो पूजा किया करते और इसको ने फर, भाई, इसको ने है वो मेरे गैर नहीं है इसको सीधना इमाम मालिक रजिया रजी अल्लाह ने एक हदीस मुखा बड़ी खूबसूरत बयान फरमाई और वो ये है, आप आका ने फरमाया हदीस कुदसी है वजबत मोहब्बती मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब हो जाती है वो मेरी मोहब्बत के हकदार ठहरते हैं कौन मुतहाबीन नफिया जो मेरी मोहब्बत में एक दूसरे के साथ मिलते हैं वल सी नफिया और जो मेरे बंदों के साथ आके मजलस इख्तियार करते हैं मेरे लिए वलमतजाविली नफिया और जो मेरी खातर एक दूसरे की आके ज्यारत करते हैं वलमुतबादली नफिया और जो मेरी खातर एक दूसरे से दूरी इख्तियार करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि मेरे बंदे तो वो हैं जो और मेरे औलिया और नेकों की आके मजलिस को अटेंड करते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने औलिया से बंदे को दूर भगाने की कोशिश की फरमाया औलिया की कुर्बत जो है वो मुझे ना सिर्फ पसंदीदा है बल्कि जो मेरे औलिया की मजलिस इख्तियार करता है वजबत बत मोहब्बती मेरे ऊपर उसकी मोहब्बत जो है वो वाजिब हो जाती है मैं उससे प्यार करता हूं इसी तरह हजरत मौलाना रूम ने फरमाया था हर के खाहिद हम नशीनी बाखुदा हर के खाद हर के खाहिद हम नशीनी बाखुदा हर वो शख्स जो अल्लाह इजत की हम नशीनी चाहता हो ऊ नशीन दर हजूर अलिया उसको चाहिए कि वो अलिया की हमनशीनी इख्तियार करे अलिया कराम की जो हम नशीनी है वही दरअसल जो है वो अल्लाह रबुल इजत की हम नशीनी है आगे चलते हैं हाजरीन मुकर्रम। यहां आप देखिए आप आयत नंबर है वन सेवन विल उलबा तक किसास को जब अल्लाह पाक ने फर्ज करार दिया वाजिब करार दिया किसास कहते हैं अगर कोई जानते बूझते किसी शख्स को कत्ल कर दे तो जान का बदला फिर जान है बजाहिर देखने में ये आता है कि अगर किसास जान का बदला कत्ल का बदला किसास हम ले रहे हैं हम किसी को कत्ल करना चाह हम कत्ल के बदले कत्ल करना चाह रहे हैं यानी उसको डेथ पनिशमेंट देना चाह रहे हैं तो ने मुकर्रम वो तो शख्स मर रहा है और अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि वाला हयात उन तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी है वो शख्स तो मर रहा है जिसने कत्ल किया था कहा जा रहा है कि उसको डेथ पेनल्टी दो उसको कत्ल के बदले कत्ल किया जाएगा सजाए मौत दी जाएगी अल्लाह पाक फरमा रहा है कि तुम उसकी सजाए मौत का मुतालबा करो और सजाए मौत का मुतालबा करते हुए फरमा रहा है कि अगर उसको सजाए मौत हो गई तो वाला फिल हयाति वाला फिल किस हयातुन इसमें तुम्हारे लिए यानी किसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है हाँ अगर हम नाजरीन मुकरम इस बात को समझें कि अगर आज जो दहशतगर्दी हो रही है जो लोगों की जानो माल का तहफुज नहीं है आकाम ने तो इर्शाद फरमाया था अल अलमुसलिमू मन सलीम अलमसलिमू ना मिलसान ही वैद ही मुसलमान है ही वो मेरा कलमा गो मेरा गुलाम तो है ही वो जिसकी जबां और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है आज हम देखते हैं कि हम इंतहा पसंदी में इस कदर आगे चले जाते हैं कि अपने से इख्तिलाफ करने वाले को ना मोमिन समझते हैं ना मुसलमान समझते हैं ना अपने हम मसलक समझते हैं इवन के हम उसे इंसान ही नहीं समझते और ना उसे जीने का हक देते हैं तो जो ऐसा मुतशद शख्स हो जो फितना परवर शख्स हो अगर उसके हाथों इंसानियत में किसी का कत्ल हो जाए तो अल्लाह रब्बुल ल ने इशात फरमाया वाला फिल तो उस उस जान के बदले में उस शख्स की जान ली जाएगी जब उस शख्स की जान ली जाएगी सजाए मौत होगी तो डेफिनेटली सोसाइटी के दीगर लोग मुआरे के देखेंगे कि नहीं भाई अगर मैं इत, इस तरह का इंतहाई इकदाम उठाऊंगा तो उसके बदले में मेरी जान भी जा सकती है लिहाजा सोसाइटी में अमन का दौर दौरा होगा अमन आश्ती होगी और सुकून का माहौल होगा इस वजह से अल्लाह रब्बुल लिजत ने फरमाया कि उस एक कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचा देना दरअसल बहुत सारे लोगों को कतल से दूर रखना और इस अमल से दूर रखने की एक बड़ी वजह है इसी पारे में आगे 183 करीमा है ने मुक़र्रम अल्लाह पाक फ़रमाया या आमनु दूसरी हिजरी में मदीना तय्यबा में आकाम जब तहवीले किबला पंद्रह दिन पहले शबानुल में रमजान के रोजों की फर्जियत का हुक्म भी आ गया और फरमाया कि अगर आप तुम्हें इसमें मुशक्त नजर आए तो जान लो ये मुशक्क़त फकत तुम्हारे लिए नहीं है कमाकुतिबादी पहली उम्मतों के ऊपर भी रोजे फर्ज किए गए थे तुम्हारे लिए तो आसानी ये है कि पहली उम्मतें दो दो महीने के लगातार रोजे रखती थी और तुम्हारे लिए चंद दिन हैं अम महदूद गिनती के चंद दिन हैं आगे देखिए आगे कहा कि जो इसकी जो सफर में हो या जो मरीज हो वो एक मस्किन को दो वक्त का खाना खिला दे तो उसके रोजे का फिदिया हो जाएगा क्या हो जाएगा फिदिया हो जाएगा वह अल्दीन युति कू ना हो और अगर वो ताकत ना रखता हो कमजोरी नकाहत की वजह से तो वो फिर फिदिया देगा फिदिया कहते हैं एक मस्किन को दो वक्त का खाना खिलाना हाजिर मुकर्रम एक फिदिया होता है एक फारा होता है फिदिया यह है कि आप में ताकत नहीं है फिदिया उस चीज का है कि आप सफर पर हैं फिदिया उस सफर का है कि आप मरीज हैं तो आप अपनी जगह किसी को खाना खिला देते हैं किसी गरीब को दो वक्त का यह तो फिदिया है कफारा ये होता है हाजरीने मुकर्रम के आप जानते बूझते रोजा तोड़ दें इसको कफारा कहते हैं और कफारा फिर क्या है या तो एक गुलाम को आजाद करें जो कि आज के दौर में गुलामों का वो सिस्टम नहीं बाकी रहा या ये है कि दो माह के मुसलसल रोजे रखें और तीसरी बात यह है कि ना तो गुलाम आजाद कर सकते हैं इन दो माह के अगर रोजे रख सकते हैं तो साठ मस्किनों को दो माह तक दो मह दो वक्त का मुसलसल खाना आ, खाना खिलाएं तो मुख्त वक्तों में भी हो सकता है यहां पर एक बहुत खूबसूरत अकाल सलात उसम की एक हदीसी मुबारक और वाक मेरे जहन में आ गया जो अकाली सलातम की रहमत की तरफ इशारा करता है देखिए अल्लाह की शरीय तो यही कहती है कि जिसने जान के रोजा तोड़ा वो या गुलाम आजाद करेगा या वो साठ रोजे रखेगा या वो साठ मस्किनों को खाना खिलाएगा मगर एक दफा ऐसा होता है ये आज का ये जो वाक्य मैं अभी हदीस मुबारक बयान करने लगा हूं इन शह हमारी कल्बोर रूह को भी तस्कीन देगा और हमारे दिलों की जो वीरान खेतियां हैं उजड़ी खेतियां है, इनशाला आप देखेंगे कि आकाम के जिक्र से ऐसा मुत्तर करेगा कि वो हमारे दिलों की खेतियाँ ईमान की खेतियाँ अः इन शाह शादो आबाद हो जाएंगी लहलहाने लगेगी ऐसा होता है कि मदीना सलाम की मजलिस लगी है एक से हबी होते हैं और गुजार होते हैं या ताला मेरे माँ बाप आप पे फिदा हूं हजूर मैंने रोजा तोड़ दिया है रोजा तोड़ बैठा हूं फरमाया रोजा तोड़ लिया है जी हजूर रोजा तोड़ लिया है तो अब क्या किया जाए ने फरमाया कि तुम्हारे पास कोई गुलाम है जाओ उसको आजाद कर दो कफारा हो जाएगा वो अर्ज करने लगा कि हजूर मैं तो गरीब आदमी हूं मेरे पास तो गुलाम नहीं है अच्छा आका सलाम ने फिर इर्शाद फरमाया फिर ऐसे करो कि दो माह के मुसलसल रोजे रख लो तो वो अर्ज करने लगा जबान हाल से उसने कहा हुजूर एक दिन का रोजा तो तकमील कर नहीं पाया तोड़ दिया है तो दो माह के रोजे कैसे रखूंगा तो हुजूर रहमत आलम अल्द व तस्लीमत ने इर्शाद फरमाया अच्छा चलो फिर ऐसे करो फिर ना साठ मस्किनों को खाना खिला दो तुम्हारा कफारा हो जाएगा उसने फिर सर झटक दिया उसने कहा हु मस्किनों को कहां से खाना खिलाऊं मदीना में मुझसे ज्यादा मस्किन तो कोई नहीं मैं तो खुद बहुत गरीब आदमी हूँ तो ना तो कफारे में तीनों चीजें ना तो मैं मेरे पास गुलाम है कि मैं आजाद करूं ना तो मैं साठ दिनों के मुसलसल रोजे रख सकता हूं और ना ही मैं साठ मस्किनों को खाना खिला सकता हूं तो अकाली सलातम कुर्बान जाएं हजूर की रहमत लालमीनी के हजूर के अपने गुलामों पर करम के आक सलातम की नजर राहमत के किस तरह हजूर की नजर राहमत के दरिया छम छम अपनी उम्मत के गरीबों पर बरसते हैं और चलते हैं तो अकल इसलाम ने गुस्से और जलाल के फरमाया कि ये क्या बात कर रहे हो पहले रोजा तोड़ के आ गए हो और अब कह रहे हो ना मैं गुलाम आजाद करूंगा ना साठ रोजे रखूंगा ना मैं साठ मस्किनों को खाना खिलाऊंगा अकलम ने फरमाया अच्छा बैठ जाओ वो शख्स बैठ गया वो से अभी बैठ गए थोड़ी देर के बाद उसी मजलस में एक शख्स खजूरों के एक बहुत बड़े बर्तन के साथ एक टोकरे के साथ हाजिर हुआ हजूर की खिदमत में खजूरों का टोकरा जो है वो पेश किया गया तो आका अलीसलातम की बारगाह में जब वो तोहफा पेश किया गया खजूरों का तो हजूर अली सलाम ने फरमाया कि वो शख्स कहाँ है जो अभी थोड़ी देर पहले आया था और आके कह रहा था कि हजूर मैंने रोजा तोड़ दिया और मैंने कहा था कि बैठ जाओ मजलिस वो कहाँ है उसको बुलाया जाए वो खड़े हो गए इसे अभी वो खड़े हो गए यार सोल्लासम मैं हाजिर हूँ हजूर मैं यहां बैठा हुआ हूँ आका सलाम ने फरमाया इधर आओ ये लोग खजूरें ये खजूरें लोग और जाके मदीना के मस्किनों के अंदर बांट दो तुम्हारे रोजे का कफारा हो जाएगा तो जब ये बात की तो कुर्बान जाए उस उस गुलाम पर भी उसने तो मांगने की इंतहा की बेबसी और बेकसी की इंतहा कर दी और कुर्बान जाए उस करीम आका पर के उन्होंने देने की इंतहा कर दी उन्होंने नवाजने की इंतहा कर दी वो कहने लगा हजूर मुझसे ज्यादा मदीने में कोई गरीब नहीं है मैं मदीना तय्यबा का सबसे ज्यादा मस्किन और गरीब आदमी हूं तो आकाम हजूर हंस पड़े और आकलम ने फरमाया अच्छा अगर तुम सबसे गरीब हो तो ये टोकरा ले जाओ खुद भी खाओ और जाके इसको अपने घर वालों को भी खिलाओ तुम्हारा कफारा हो जाएगा कुरबान जाए कुरान कफारा कह रहा है कि गुलाम आजाद करो इतनी सख्ती हो रही है ये कहा जा रहा है कि साठ मस्किनों को खाना खिलाओ ये भी कहा जा रहा है कि जाके साठ दिनों के रोजे रखो मगर आकलाम जो शारख शरीयत हैं और खुद शारह भी हैं शरीयत बनाने वाले भी हैं आक इस्लाम की रहमत अपने उम्मीद पे इस कदर है और इस अदीस का इख्ताम बहुत खूबसूरत होता है और वो अख्ताम यहाँ पे होता है कि आकलातलाम अदीस मुबारक में है जब वो शख्स वो खजूर का टोकरा उठा के वो भाग रहा था खुशी खुशी जा रहा था झूमते हुए तो आकलातम उसको देख इस कदर मुस्कुराए के वह जो आखिरी दांत होते हैं जिसको हम नवाजस कहते हैं नवाज दाड़े जो होती हैं आक अली सलाम की दाड़, दाड़े दाड़े मुबारक भी जो थी, वो भी नजर आने लग पड़ी इस कदर हजूर अली सलाम मुस्कुराए हाजरीन ने मुकर्रम यह है दूसरा पारा एक इसमें और अहम चीज जो है हम पंद्रह मिनट पे इंशाल्लाह इसको खत्म कर देंगे यानी तीन एक मिनट और गुफ्तगु होगी इसके बाद हम यहां देखते हैं कि आयत करीमा है बहुत अहम आयत करीमा है वन उसमें अल्लाह इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि को क्या इर्शाद फरमाता है कि हुन्ना अंतुम लिबास तुम लिबासना खवातीन को बीवियों को हुक्म है कि जो तुम्हारे शोहर हैं वो तुम्हारा लिबास है और इसी तरह जो शौहर हैं उन्हें हुक्म होता है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास हैं हाजिर मुकर्रम लिबास किस क्यों कहा गया लिबास क्या होता है लिबास सतरपोशी के लिए होता है लिबास राज रखने के लिए कहा जाता है लफ्ज बोला जाता है अल्लाह रबुल इज्जत ने इस पर बड़ी सख्त वीद फरमाई है फरमाया कि बीवियों के लिए जरूरी है कि वो अपने मर्द यानी शौहर का कोई राज कोई राज खा वो जिस्मानी राज है या उसकी आदात सयाह के बारे में है या उसने कोई राज उसको बतौर राज बताया है तो वो बाहर उसको अफशाना करें खतिन के लिए बीवियों के लिए और इसी तरह मर्दों के लिए भी जरूरी है कि बीवियां इतमाद करके उनसे कोई बात करें कोई उनको रखवाना उनके साथ शेयर करें या अपनी अज्दवाजी ताल्लुक के बारे में जो इंसान के राज होते हैं इस पर बड़ी सख्त वईद की गई और फरमाया कि बीवियां बीवियों के लिए मर्द जो है वो लिबास हैं और मर्दों के लिए उनकी बीवियां लिबास है यहां पर मैं एक अहम समाजी नुकते की तरफ इशारा करना चाहूंगा जो हमारे भाई, भाई जो हैं, अपनी बीवियों की शिकायत अपने से करते हैं अपने बहन भाइयों से करते हैं और अपनी बीवियों के खिलाफ खाम खा का एक महाज बनाते रहते हैं तो यह तरीकाकार लिबासबास हन्ना अल्लाह पाक ने इससे मना फरमाया है इस तरीका कार से ऐसे घर नहीं चला करते और इसी तरह जो खतिन हैं बीवियां हैं अगर वो अपने मर्द की बुराइयां अपने घर वालों को करें यहां मर्द की बुराइयां अपने ससुराल की बुराइयां भी हैं अपने मेके जाके करें तो ये भी लिबास की हया न करने वाली बात है और राज को अफशा करने वाली बात है तो हमें सोचना चाहिए कि जो हमारी आपस की बातें हैं वो हमारी आपस के आपस में रहनी चाहिए और घर तक रहनी चाहिए मियाँ बीवी का जो रिश्ता है हाजरीन मुकर्रम ये तो सिरे से एतमाद का और मोहब्बत का रिश्ता है बिलीव करें अगर कोई मुझे ये कहे कि सर मियाँ बीवी के रिश्ते को डिफाइन करें तो दो लफ्ज हैं जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में सीखे जिससे ये रिश्ता खूबसूरत जन्नत में कन्वर्ट हो जाता है मोहब्बत और अंधा एतमाद जिसको अंधा एतमाद कहते हैं देखे मैंने एतमाद नहीं कहा अंधा एतमाद करें कभी भी अपने लाइफ पार्टनर पर शक नहीं होना चाहिए कभी भी किसी के माजी को कुरेदने की ये जो नए जोड़ शादीशुदा जोड़े हैं उनके लिए नसीहत कर रहा हूं या जो आगे शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं अल्लाह पाक ने मना फरमाया है कि वो आप तजस्सुस में कि उसकी पिछली लाइफ कैसी थी वो कहां उठता बैठता था वो कहां पढ़ता था उसके ताल्लुकात कैसे थे इससे मना फरमाया है अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी जन्नत का नमूना बने और आपकी बीवी की वजह से जन्न आपको दुनिया में ही जन्नत के नजारे हों उसके लिए जरूरी है कि आप अपने लाइफ पार्टनर पे बीवी है तो शोहर पर शोहर है तो बीवी पर अंधा एतमाद करेंगे मैं ये बार बार अर्ज कर रहा हूं अंधा एतमाद करेंगे कोई शक नहीं होना चाहिए किसी भी हवाले से जब आप किसी को इतनी इज्जत देते हैं इतना अहतमाद देते हैं और दूसरा मोहब्बत बिला बिला गैर मशरूत मोहब्बत अपनी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार अपने लाइफ पार्टनर को बनाएं और अपने एतम का भी सबसे ज्यादा हकदार अपने लाइफ पार्टनर को बनाएं तो आप बिलीव करेंगे आपकी जिंदगी जो है वो जन्नत बन जाएगी जन्नत हर वक्त आप उस जन्नत के बाग में लहलाते रहेंगे और आप के ईमान की खेती ईमान की तकमील भी तभी होगी और जो आ, शादी का जो एक मरकजी नुकता नुकता है और वो ये है कि इंसान के ईमान की तकमील होती है वो उसी सूरत होगी कि जब इंसान को इस रिश्ते में सुकून में असर होगा और वो दो आ, तरीकों से मैंने किया होता है कि बाहम एक तो मोहब्बत और मोहब्बत में कमी नहीं होनी चाहिए कि मेरी इस कदर मोहब्बत है तो उसमें मैं इतना हिस्सा दूंगा मैं सारी बातें शेयर नहीं करूंगा जी अगले का दिमाग खराब होता है नहीं कोई दिमाग खराब नहीं होता सारी मोहब्बत शेयर करें आक सलाम के पास एक सहाबी तशरीफ लाए उन्होंने कहा यार सूलिका सलातम हजूर मैं फुला शख्स से बड़ी मोहब्बत करता हूं सलाम ने इस्तफ़ार फरमाया कि भाई तुमने कभी उसको बताया है जाके कि तुम उससे बड़ी मोहब्बत करते हो हु। हजूर ये तो कभी नहीं बताया फरमाया अभी उठो और अभी जाओ और जाके उसको बता के आओ कि मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है भाई मोहब्बत का जज्बा भी छुपाने वाला है या तकसीम करके देने वाला है वालेन की मोहब्बत और अदब अपनी जगह पे है वो और अलग किस्म है उसकी बहन भाइयों का प्यार मोहब्बत और उनकी जगह अलग है लाइफ पार्टनर की जगह हुना लिबास मतलब मैंने अर्ज किया कि जितनी मोहब्बत अल्लाह रबुल इजत ने आपको इंसान के लिए करने का आप समझे कि हौसला दिया है या आ, इख्तियार, इख्तियार दिया है या इस्तात दी है वह सारी की सारी अपनी अपनी, ला, अपनी लाइफ पार्टनर के लिए होनी चाहिए न सिर्फ ज़बान से होनी चाहिए आपके अमल से होनी चाहिए और इसी तरह एतमाद एक दूसरे को दें तो जिंदगी जो है वो जन्नत बन जाती है मैंने ये चाहा कि ये बात जरूरी है करूं आगे इसी पारे में तलाक की बात है कि तलाक कैसे देनी है और उसकी शराय क्या है मैं उस पर नहीं जाता फिक्र ही मामला है मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि हजूर अलीस्म ने इर्शाद फरमाया अब गदल अ तलाक अल्लाह रबुल्जत के नजदीक हलाल चीजों में जो सबसे ज्यादा क्राहत वाली है सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज है अल्लाह पाक के हुजूर, अल्लाह के नजदीक जायज चीजों में वो तलाक है वो कभी पसंद नहीं करता कल हमने बात की थी कि वो जो बनी इसराइल के जो लोग थे जो जादू टूना करते थे वो क्या करते थे वो मियां बीवी की लैहदगी के लिए जादू टूना करते थे खुदा के लिए इस बात को समझें कभी जिंदगी में ये, आ, आ, ये, ये ये इस हद तक मत गिरें कि आपका जो लाइफ पार्टनर है आप उसकी जिंदगी तबाह करें प्लीज एक तो ये काम बहुत सारे लोग तलाक दे देते हैं जज्बात में आके फिर हाजिर हो जाते हैं फतवा लेने के लिए कि मुफ्ती साहब को आ कहते हैं गुस्सा में तलाक कोई शख्स डोलबाजे नहीं लेके आता कि आओ भाई आज मैंने तलाक देनी है और थोड़ा यहां पे जश्न हो जाए नहीं गुस्सा में ही होती है गुस्सा को काबू करें गुस्सा इंसान का और अकल का दुश्मन है अकलम ने फरमाया गुस्सा आए, खड़े हो तो बैठ जाओ बैठे हो तो लेट जाओ लेटे हो तो वजू करो अगर आपको आप, आप देखें ना हर लड़ाई का इंजाम तलाक नहीं होना चाहिए भाई हर लड़ाई का इंजाम जो है वो तलाक नहीं होना चाहिए हर छोटी बड़ी बात पर हम तलाक कह देते हैं अगर आपको खुदा न खास्ता तलाक होती है कि अब निबाह की तमाम तर सूरतें जो हैं वो आपके लिए नपैद हो चुकी हैं और किसी सूरत आपका पैचक हो नहीं रहा आप अपने आप को सालों दे चुके हैं एक दूसरे को साल हर साल आप एक दूसरे को दे चुके हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर चुके हैं तो नहीं निबाह हो रहा उस सूरत में भी यह है कि एक तलाक दो सही और तरीका कार के तहत चलो ये बहुत नापसंदीदा है अल्लाह पाक के नजदीक कि आप तलाक दे दें इससे जो है जज्बातियत से मना होना चाहिए और फिर ट्रेनिंग होनी चाहिए नौजवान जोड़ों की कि उन्होंने बाहम एहतराम का रिश्ता कैसे पैदा करना है ये जब हम एहतराम छोड़ देते हैं ना एक दूसरे का मैंने दो लफ्ज़ बोले मोहब्बत जब खत्म होती है और एतमाद खत्म होता है फिर तलाक आती है अल्लाह रबुल्जत हमें समझने की तो फरमाए हर झगड़े की जो इख्ताम है वो इस पे हाजरी ने मुकरम नहीं होना चाहिए आखिरी बात आज के सबक की जो करके आज फिर हम इजाजत चाहेंगे आपसे वो ये है कि आयत नंबर है दो सौ पैंतालीस अल्लाह इजत ने इर्शाद फरमाया ये भी बहुत अहम है मंदी युक्रद्लादन हसना कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा भाई अल्लाह को कहां से कर्ज हसना देना है हमने अल्लाह पा आखिरशाद फरमाएगा क्यामत के रोज के ऐ मेरे बंदे मैं क्यामत के दिन मैं दुनिया में तुम्हारे पास आया था तुमने बीमार था तुमने मेरी तीमारदारी नहीं की थी वो कहेगा मौला तू तो खालक हो मालिक है तेरी तीमारदारी तू कैसे बीमार मैं तुझे कहाँ पाता तो अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा फुला बंदा तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारा फैमिली का तुम्हारा क्लोज फ्रेंड तुम्हारा चचा ताया खला खाल, खालू ननियाल में ददयाल में दोस्तों में आ, हमसायों में कोई बीमार था तुम उसकी तीमारदारी के लिए नहीं गए अगर तुम जाते तो तुम उस तिमारदार के पास मुझे पाते मुझे पाते तुम वहां पे उसकी तिमार दारी गोया मेरी तिमारदारी फिर इसी तरह अल्लाह आल, रब्बुल इजत ने फरमाया मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया वो शख्स कहेगा कैसे मौला तू तो खालक है यही जवाब आएगा कि मैंने दुनिया में तुझसे खाने का सवाल किया था मैं भूखा था अगर तू मुझे खिलाता तो उसका बदला मैं तुझे देता गोया तूने मुझे ही खिलाया फिर प्याज की भी अल्लाह पाक ने इसी तरह बात और यहां पे देखें मन अल्लाह अल्ला को, को जिसका लौटाना लाजिम होता है कर्ज का लौटाना लाजिम अल्लाह पाक ने यह नहीं कहा मेरी राह में कौन खर्च करेगा मैं बढ़ा दूंगा वो चीजें अलग हैं यहां फरमाया मन दल अल्लाह को कर्ज कौन देगा कर्ज हसाना और आगे बड़ी मजे की बात है मौला करीम तूने फरमा दिया है कि जो तेरी राह में देंगे जो तेरे जरूरतमंद बंदों को कर्ज चाहने वालों को हम कर्ज देंगे तो तूने कहा वो गोया कर्ज मुझे ही दिया है तो कर्ज तो लौटाना जरूरी होता है तो फिर मुझे लौट आएगा मेरे पैसे इंश्योर हूं मैं यानी ये वाकई मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे और इसी जिंदगी में मिल जाएंगे फरमाया फायदा हाँ ना सिर्फ लौटाएंगे अल्लाह पाक कहता है मैं तुझे लौटा दूंगा बल्कि कई गुना करके लौटाऊंगा हजार दिए हैं तो वो उसकी शान करीमनी पे डिपेंड करता है और आपके खुलूसे नीयत पे डिपेंड करता है कि आपने किस खुलूस नीयत से दिए थे और वो हजारों को लाखों और लाखों को करोड़ों और अरबों में कैसे कन्वर्ट करता है फरमाए फयदाह वो ना सिर्फ बढ़ा देगा अद आफन कफीरा इस हद तक बढ़ा देगा कि उसकी कसरत का तुम अंदाजा नहीं कर सकते यानी वो उसको पता है कि उसने कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है हाजरीन मुकर्रम अपने इर्द गिर्द के जरूरतमंद लोगों का ख्याल रखें महरूम तबकात का ख्याल रखें उन तबकात का ख्याल रखें कि जो हकदार हैं और इसी तरह अगर कोई शख्स कर्ज खा है कर्ज मांगना चाहता है जरूरत के तहत कर्ज मांगना चाहता है देखे ना दो चीजें होती हैं एक तो वो बंदा है कर्ज मांग रहा है आपको इल्म है कि ये कर्ज मुझे वापस करेगा ही करेगा उसको तो हम बड़ी बखुशी कर्ज दे देते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कर्ज मांग तो रहे होते हैं उनकी नीयत भी होती है कि वो कर्ज वापस करेंगे लेकिन उनके हवाल ऐसे होते हैं कि पता नहीं काम चलेगा तो ठीक है दे देंगे नहीं चलेगा तो मुमकिन है ना दें उनको कर्ज देना अल्लाह पाक फरमाता है जैसे मुझे कर्ज देना तो अल्लाह रबुल इजत हमें इन मामला को समझने की तोफीकता फरमाए हमें अः अच्छा मुसलमान बनने की तोफीकता फरमाए कुरान पाक यही तो सफर है एक नूर का नूर रोशनी को कहते हैं हिदायत को कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक का ये नूर हमें अता फरमाए इससे इस नूर से हमारे अकीदे में जो तें हैं हमारे अफकार में हमारे नजरियात में हमारे में हमारे आ, में जो हैं जो कदूरतें हैं जो अंधेरियाँ हैं और जो अंधेरे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत वो अपने कुरान के इल से दूर फरमाए अपने अपने हिदायत के नूर से वो दूर फरमाए अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी ही नासिर हो इनी चंद कलमात के साथ में आज आपसे इजाजत चाहता हूँ वालेकुम वहमत लाही वरक था आज वो लगाया नहीं था परेशान मैं सारा ले आधा तो घंटा में ट्रैक के लिए